फिर से स्वागत करता हूँ करंट अफेयर क्लास में बच्चा, ठीक है ना। 20 मार्च 2019 की जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर होंगे बच्चे, उसे हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ बच्चे आप लोगों को ये पूछे जाते बच्चे, जो क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पे बताया जा रहे हैं वो सभी बच्चे आपके अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफी इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। तो जल्दी से हम लोग क्लास स्टार्ट करें। आप लोग सभी जैसे ही लाइव आते हो वीडियो को लाइक और शेयर भी करते रहिए, ठीक है। तो जैसे बच्चा आज आप लोग न्यूज़पेपर खोलोगे या न्यूज चैनल खोलोगे तो आपको सबसे पहले क्या मिलेगा, पीएम की अपील बच्चा, कौन सी, रविवार को जनता कर्फ्यू की बात की गई, ठीक है। और ये एक बहुत बड़ी पहल है बच्चा, समझ रहे हो, यानी कि जहां पे WHO के द्वारा कोरोना वायरस को महामारी घोषित किया गया और अभी अनकंट्रोल है, तो इसे कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, समझदारी से, ठीक है। अब ये नहीं कि देश सेवा बॉर्डर पे जाके की जा सकती है, ये भी एक बहुत बड़ी बच्चा आप लोग, ठीक है। तो रविवार के लिए पीएमओ के द्वारा सभी लोगों से ये अपील की गई, समझो, भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा सभी देशवासियों से अपील की गई, अनावश्यक आप बाहर ना निकले, समझ रहे हो। यहाँ पे डरने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये ध्यान देना कोई चीज अपने चरम स्तर पर पहुंचती है, समझ रहे हो। अभी तक क्या था, इससे पहले तक तो ये था कि अपने फर्स्ट स्टेज पे था, ठीक है, यानी कि अपने बाल्य स्तर पर। अब क्या हो गया, अब अपने फुल स्टेज पे पहुंच गया जहां ग्रो होने का ज्यादा चांसेस है, ठीक है। तो ये समय अगर निकल गया अच्छे से, क्योंकि देखो बहुत सारी कंट्रियों में आपने देखा होगा जहां पे केसेस बिल्कुल नॉर्मल थे, और हम भी अभी इंडिया के अंदर बिल्कुल बेफिक्र बैठे हुए, ठीक है। अभी तक इंडिया में ऐसा कोई केसेस ज्यादा नहीं, लेकिन ध्यान देना कि वहां पे बस एक साथ विस्फोट हुआ, समझ लो, एक ऐसा विस्फोट हुआ जिस जैसे कि वहां पे जहां पे 100 थे हजारों में चले गए, ठीक है। तो ध्यान देना एक समय ऐसा आ रहा है इसका कि जहां पे बहुत ज्यादा ग्रो होता है, ठीक। तो आप सभी लोग अपने फैमिली मेंबर, अपने रिलेटिव, फ्रेंड सर्कल, यहाँ पे सभी को बच्चा यही मैं यहाँ से मैसेज फॉरवर्ड करना चाहूंगा, और आप अपने फ्रेंड सर्कल में भी मैसेज फॉरवर्ड कीजिए, फैमिली मेंबर में फॉरवर्ड कीजिए, ठीक है। ज्यादा ट्रेवल ना करें, लोगों से मिलने से बचे, ठीक है। यदि कोई आपसे हाथ मिलाए तो नमस्कार कर दीजिए वही, ठीक है। पहले तो आप लोगों को बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है, जो जरूरी खान पान वाली चीजें हैं उन्हें ज्यादा स्टोर करने की भी आवश्यकता नहीं है, नॉर्मल जीवन जिए, लेकिन ठीक मैसेज को जरूर फॉरवर्ड करें और अफवाहों से बचे, ठीक है। जो बच्चा अफवाह है उनसे बिल्कुल बचे, और जो क्लीन इंडिया नहीं कर पाया वो कोरोना वायरस कर रहा है, ये सोच लीजिए। स्वच्छ भारत अभियान जो नहीं कर पाया बच्चा वो कोरोना वायरस कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग बच्चा, मैं ये कहूंगा डरे नहीं, बस आराम से तसल्ली से बच्चा अपनी पढ़ाई पे कंटिन्यू कीजिए, समझ लो, आने वाले समय पे आपका सब कुछ ठीक रहेगा, तो एग्जाम भी समय पे हो जाएंगे और जॉब भी लग जाएगी, ठीक है। तो हम लोग चलते बच्चे आज के लिए पहले क्वेश्चन की ओर। आज का बच्चा पहला क्वेश्चन क्या है, हर एक क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट बच्चा आपका। पहला क्वेश्चन क्या दिया गया बच्चा, जो एनसीसी कैडेट होते हैं उन्हें अगर ए कैटेगरी का, समझ लो, ए कैटेगरी का अगर सर्टिफिकेट हो उनके पास, तो बच्चा हाउ मेनी बोनस मार्क इन द CAPF यानी कि सेंट्रल आर्मर्ड पुलिस फोर्स के अंदर बच्चा उन्हें एग्जाम के अंदर कितने बोनस मार्क मिलते हैं, ठीक है, समझ लो बच्चा आपका। तो याद रखना 2% का बोनस मार्क्स मिलता है, ठीक है। 2% के क्या होता है बच्चा, यहाँ पे बोनस मार्क दिया जाता है किसे, एनसीसी कैडेट को, ठीक है। और एनसीसी बच्चा 2019 में कौन सा वो मनाया था, 71, समझो एनिवर्सरी के रूप में मनाया था, ठीक है ना। तो याद रखना बच्चा आपका। नेक्स्ट बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन क्या रहा बच्चा आपका, अगला क्वेश्चन ये रहा बच्चा स्क्रीन के सामने, केंद्रीय परिवहन मंत्री के अनुसार नए मोटर वाहन अधिनियम 2019 के जैसे लागू किया जाता है बच्चा, इसके बाद यहाँ पर जो मौतों में बच्चा, समझ जो एक्सीडेंट होते हैं इनमें अचानक से कितनी कमी आई है, ठीक है। तो ये कहा गया बच्चा एक रिपोर्ट में कि जो बच्चा अभी क्या है आपका, अकॉर्डिंग टू यूनियन ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हाउ मच द बच्चा रिडक्शन की बात की गई, हाउ बीन विद रिपोर्टेड एक्सीडेंटल डेथ आफ्टर द इंप्लीमेशन ऑफ द न्यू मोटर व्हीकल एक्ट 2019 के बाद, क्या कहा गया इनके द्वारा, लगभग 10% की कमी आई है, समझ लो, आकस्मिक बच्चे यहाँ पे 10% की कमी आई, ऐसा कहा गया, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चा आपका, निम्नलिखित राज्यों में से या केंद्र शासित प्रदेशों में से किसने मुख्यमंत्री एडवोकेट वेलफेयर स्कीम के लिए ऑनलाइन पंजीकरण शुरू किया है, तो ये बच्चा किसके द्वारा शुरू किया गया, तो आम आदमी पार्टी के विधायक यानी कि बच्चा आपके, तो याद रखना दिल्ली के अंदर, यानी दिल्ली के अंदर विधानसभा इलेक्शन होता है, ठीक है। तो विधानसभा इलेक्शन में यहाँ पे मेचोरिटी में कौन आई, आम आदमी पार्टी दोबारा से यहाँ पे मेचोरिटी में आई, ठीक है। और सीएम कौन है यहाँ के वर्तमान समय पर, ठीक है, तो अरविंद केजरीवाल यहाँ पे सीएम बने। नेक्स्ट चलेंगे बच्चे हम लोग अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया बच्चा आपका, हर एक क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन दिया गया नेशनल कंपनी लॉ ऑफ, समझो क्या दिया गया आपका,
नेशनल कंपनी लॉ एपिलेट ट्रिब्यूनल, ठीक है, ने दक्षिण राज्यों में मामलों की सुनवाई के लिए किस शहर में एक ब्रांच खोलने की किया, ठीक है, स्थापना की, ठीक है, तो कौन से बच्चा, नेशनल कंपनी लॉ एप्लीकेट द ट्रिब्यूनल हैज सेट अप द ब्रांच, तो यार बच्चा केसेस समझ रहे आपका, साउथर्न स्टेट विच सिटी, तो बच्चा ये चेन्नई में खोला गया, कहाँ पे, चेन्नई के अंदर, ठीक है। अब चेन्नई का नाम आया तो चेन्नई से जुड़े हुए कुछ एक दो क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वो क्वेश्चन कौन सा बच्चा आपका, चेन्नई शहर कौन सी नदी के किनारे स्थित है, तो आपने आंसर दिया कुम नदी के किनारे, ठीक है। चेन्नई में कौन सा बच्चा आपका इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, तो आपने आंसर दिया मीना मक्कम, समझ लो मीना मक्कम यहाँ पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग बच्चा अगले क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चंस, निम्नलिखित में से किसे, क्या दिया गया बच्चा आपका, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में आंध्र प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। ऑप्शन दिए गए आपके पास, ब्रिजेश दास गुप्ता, सुरेश महतो, सरबजीत सिंह और अश्वनी लोहानी। तो यहाँ पे बच्चा क्वेश्चन अच्छा है, समझ बच्चा आपका क्या दिया गया कि चेयरमैन ऑफ द टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन बाय आंध्र प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट, किसे यहाँ पे रिसेंटली अपॉइंट किया गया बच्चा, तो किसे किया गया, अश्वनी लोहानी, ठीक है। अब इनका नाम कहाँ पे सुना था आप लोगों ने, इससे पहले ये रेलवे बोर्ड के चेयरमैन भी थे, कब, जब बच्चा वीके यादव, समझ लो विनोद कुमार यादव से पहले अश्वनी लोहानी, ध्यान होगा आप लोगों को, क्या था बच्चा, तो ये रेलवे बोर्ड के चेयरमैन भी रहे हैं। नेक्स्ट चलेंगे हम लोग अगले क्वेश्चनों की ओर बच्चा। अगला क्वेश्चन क्या बच्चा आपका, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बच्चा, कुछ समय से क्या हो रहा था बच्चा आपका, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज द रिमूव कोटा ऑफ द प्रमोशन SC ST एम्प्लॉयज, ठीक है, क्या किया गया बच्चा, किस राज्य सरकार के द्वारा SC ST कर्मचारियों के लिए पदोन्नति में कोटा हटा दिया गया, समझ लो, यानी कि जब बच्चे पदोन्नति, समझ लो जब प्रमोशन पे बच्चा जो SC ST कोटा जो लगता था, अब इस आधार पर नहीं दिया जाएगा, समझो प्रमोशन में कोई कोटा नहीं दिया जाएगा, ठीक है ना, तो याद रखना बच्चा आपका, ऐसा किसने करा आपका, ऐसा किया गया बच्चा किसके द्वारा, उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा ये निर्णय लिया गया, ठीक है, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के नियमों के अनुसार ये हुआ, ठीक है। अब प्रमोशन के अंदर यानी कि राज्य के अंदर बच्चा प्रमोशन में SC ST कोटा नहीं लगेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट चलेंगे बच्चा हम लोग अगले क्वेश्चंस की ओर। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद किस राष्ट्र के नेता ने कोरोना वायरस को अपनी सबसे बड़ी चुनौती दिया, ठीक है ना, तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बच्चा आपका, और ध्यान देना एक फ्लू है आपका, ठीक है, यानी कि जहां पे बच्चा ठंडे, जो जहां पे ठंड ज्यादा है बच्चा, ठीक है ना, जहां पे कोल्ड की बात करेंगे हम लोग, उन जगहों पे बच्चा यहाँ पे इसके फैलने के ज्यादा चांसेस है, तो आप लोगों ने देखा होगा कि यूरोप के अंदर अचानक से इस ज्यादा ग्रो हुआ, ठीक है, तो यानी कि जिन स्थानों पे ठंड ज्यादा है, ठीक है, तो ये ध्यान देना बच्चा, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या आएगा बच्चा आपका, यानी कि इसका राइट आंसर आएगा बी, जर्मन, जर्मन चांसलर एंजेला मर्कल के द्वारा बच्चे अभी अनाउंसमेंट किया गया था कि कोरोना वायरस द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उनकी सबसे बड़ी चुनौती है और यूरोपियन कंट्रियों में बच्चा ज्यादा ग्रो हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे चाइना में तो अब कोई नए मामले नहीं आए, समझ रहे हो, चाइना के अंदर ऐसे कोई भी नए मामले तो नहीं आए, लेकिन यूरोपियन कंट्री के अंदर बच्चा कुछ ज्यादा ग्रो हो रहा है, ठीक है, तो मैंने बताया वजह, वहां पे कोल्ड जो है, जैसे आपने फ्लू की बात करी होगी, ठीक है ना, जो आपका H1N1 है बच्चा आपका, ठीक है, तो ये क्या बच्चा आपके जो ग्रो होता है ये भी आपके कोल्ड कंट्रियों में ज्यादा ग्रो होते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं बच्चा हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या बच्चा आपका, निम्नलिखित में से किस राष्ट्र ने पहली बार 19 मार्च को कोविड-19 के नए घरेलू मामलों की सूचना दी है, ठीक है, समझ लो बच्चे यहाँ पे, तो नए घरेलू मामलों की सूचना में बच्चा क्या कहा गया कि चीन के द्वारा अनाउंस किया गया कि अभी वहां पे कोई भी नया केस नहीं मिला है, समझ लो कोविड-19 से संबंधित बच्चा उन्होंने क्या कहा वहां पे डोमेस्टिक तौर पर कि अभी वहां पे कोई भी नया मामला नहीं मिला, ठीक है, जो पुराने थे वो है लेकिन नया मामला कोई भी नहीं मिला, ठीक है, कोविड-19 की बात की गई यहाँ पे। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या रहा बच्चा आपका, तो अब चलते हैं हम लोग कुछ रिवीजन क्वेश्चनों की ओर जो कि आपके काफी इंपॉर्टेंट है, पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं इन क्वेश्चनों को, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है, तो सभी लोग बच्चा जो भी लाइव आए हैं वीडियो को लाइक और शेयर भी करते रहिए, ठीक है ना बच्चा। क्वेश्चन देखिए बच्चा आप लोगों के स्क्रीन के सामने जो क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन क्या दिया गया बच्चा, बिल्कुल रिवीजन क्वेश्चन है आपका, आने वाले समय पे सभी एग्जाम आपके समय पे होंगे यही आशा करता हूँ, ठीक है ना, तो ध्यान दे बच्चा, हम लोग अपने रिवीजन सेशन को उसी तरह से कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन क्या बच्चा आपका, 21 दिनों के भीतर बच्चा यहाँ पे बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, कौन सा एक्ट किया गया था जारी बच्चा, दिशा, समझ लो दिशा अधिनियम,
ठीक है ना, दिशा अधिनियम किसने पारित करा बच्चे आपका, तो आंध्र प्रदेश ने पारित करा, ठीक है। इसमें क्या किया गया बच्चे आपका, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चंस की ओर बच्चे, यहाँ पे ध्यान देना। अब आंध्र प्रदेश से जुड़ी हुई कुछ चीजें जो आप लोगों को बता देता हूं। आंध्र प्रदेश कैपिटल कहाँ पे, हैदराबाद के अंदर। अब याद रखना बच्चे आपका 2014 में, समझो यहाँ पे 18 आ गया बच्चा, ठीक है। 2014 में बच्चा क्या होता है, अलग आंध्र प्रदेश विधेयक आता है, उसके बाद क्या कहा जाता है कि अगले 10 वर्षों के लिए दोनों की कैपिटल क्या होगी, तेलंगाना और हैदराबाद की कैपिटल क्या होगी, सब सॉरी बच्चा आपका तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की कैपिटल हैदराबाद होगी अगले 10 वर्षों के लिए, यानी कि 2024 से लेकर 1 जून 2000 समझ लो 2024 तक, 1 जून 2024 तक बच्चा ये राजधानी क्या रहेगी, दोनों की संयुक्त राजधानी रहेगी हैदराबाद, ठीक है। तो अब कौन सी होगी बच्चा आपका, इसके बाद यानी कि 2 जून 2024 से अमरावती क्या हो जाएगी, आंध्र प्रदेश की कैपिटल हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद याद रखना यहाँ के गवर्नर कौन है, तो विश्वभूषण हरिश्चंदन यहाँ के गवर्नर होंगे, कहाँ के, आंध्र प्रदेश के गवर्नर, जबकि YS जगमोहन रेड्डी यहाँ पे क्या है बच्चा, तो वर्तमान समय पर CM है, ठीक है। तो ये भी याद रखना आप सभी लोग। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग बच्चा अगले क्वेश्चंस की ओर। हाल ही में फोर्ब्स के द्वारा जो जारी रिपोर्ट जारी की गई थी बच्चा, ठीक है, जो लिस्ट जारी की गई थी, उसके अकॉर्डिंग भारत में निर्मला सीतारमण को बच्चा कौन से नंबर पे रखा गया था, तो 34वें नंबर पे, जबकि इसमें पहले नंबर पे कौन था बच्चा आपके, एंजेला मर्केल इसमें पहले नंबर पर थे, ठीक है। नेक्स्ट बच्चा आपका अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, यहाँ पे ध्यान दे सकते हो आप लोग कि एंजेला मर्केल यहाँ पे बच्चा क्या थे, पहले स्थान पर उनका नाम था, ये ध्यान देना कि फोर्ब्स के द्वारा 2019 की जो इंपॉर्टेंट जो लिस्ट जारी की गई, ठीक है, महिला पावरफुल महिलाओं की बात करते हैं, तो एंजेला मर्केल जर्मन चांसलर पहले नंबर पर, और भारतीय बच्चा वित्त मंत्री यानी कि निर्मला सीतारमण 34वें स्थान पे थे, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे हम लोग बच्चा अगले क्वेश्चन, ब्रिटेन के अंदर चुनाव होते 2019 में, तो यहां पर बहुमत हासिल की गई किस पार्टी के द्वारा, समझ रहो 2019 में ब्रिटेन के अंदर इलेक्शन हुए, बोरिस जॉनसन वहां पे प्रधानमंत्री बनाए जाते हैं, तो वो कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो कौन सी पार्टी से बच्चा आपका, तो पार्टी का नाम क्या था बच्चा आपका, कंजर्वेटिव पार्टी, यानी कि बी इसका राइट आंसर आएगा, ठीक है। ब्रिटिश जो PM है बच्चा बोरिस जॉनसन कंजर्वेटिव पार्टी से बच्चा क्या कर बिलोंग करते हैं, आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा बच्चा आपका कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चंस, यहाँ पे ध्यान देना बच्चा आपको, तो ब्रिटिश जो समझ यहाँ ध्यान दें आप लोग, कंजर्वेटिव पार्टी से बिलोंग करते हैं आपके, ठीक है। वैसे यहाँ पे क्या दिया गया था बच्चा आपका, जर्मी आपका कॉर्बन की बात की गई, ये लेबर पार्टी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। इंदिरा 2019 बिलेटरल बच्चा आपका मिलिट्री एक्सरसाइज जो कि भारत और किस देश के बीच में, रूस के बीच में, ठीक है, भारत और रूस के बीच में बच्चा क्या होता है, ठीक है। प्रत्येक वर्ष इंदिरा 2019 भारत और रूस के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चा आपका, अगला यहाँ पे ध्यान देना, और यहाँ पे क्या पूछा गया आप लोगों को बताया गया इसके बारे में कि रसिया, रसिया की कैपिटल कहाँ पे बच्चा आपका, मॉस्को हो गई, यहाँ के बच्चा करेंसी क्या हो गई, रूबल यहाँ की करेंसी हो गई, और व्लादिमीर पुतिन बच्चा आपके क्या है, यहाँ के वर्तमान समय पर प्रेसिडेंट है, और रिसेंटली बच्चा यहाँ पे क्या कहा गया एक पार्लियामेंट के अंदर बच्चा, यहाँ की पार्लियामेंट क्या है बच्चा आपके, ड्यूमा यहाँ की पार्लियामेंट है, वहां पे एक विधेयक लाया गया बच्चा अगले यानी कि 2036 तक बच्चा प्रेसिडेंट बने रहने के लिए बच्चा इन्हें क्या एक विधेयक लाया गया, ठीक है। तो वो विधेयक अभी पास नहीं हुआ, लेकिन अभी एक विधेयक लाया गया कहाँ पे बच्चा, ड्यूमा के अंदर। नेक्स्ट चलेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन पे बच्चा आपका, 13 दिसंबर 2019 को यहाँ पे क्या दिया, किस राष्ट्र के साथ एक संयुक्त आयोग बैठक में 3 समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे, तो वो था बच्चा आपका कौन सा, मालदीव, ठीक है। इसके साथ किया गया था बच्चा आपका मालदीव, ठीक है ना। तो मालदीव के साथ बच्चा 3 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए थे। उससे पहले बच्चा हमें यहाँ से क्या जानना है, सिंपल सा क्वेश्चन बच्चा आपसे एग्जामिनर पूछता है, कॉमनवेल्थ, ठीक है ना, कॉमनवेल्थ को रिज्वाइन करने वाले, यहाँ पे सिर्फ माध्यम है बच्चा क्वेश्चन, बाकी चीज आप लोगों को समझा रहे हैं, तो यहाँ पे कॉमनवेल्थ को 2 साल बाद दोबारा से रिज्वाइन करा किसने, मालदीव ने, ठीक है। और याद रखना बच्चा आपका, समझ बच्चे यहाँ पे अब कितने कंट्रियां होगी इसमें कॉमनवेल्थ में, अब 54 कंट्रियां हो गई, समझ लो 54 कंट्रियां बच्चा इसमें अब आपकी हो गई, ठीक है। नेक्स्ट चलते बच्चा हम लोग यहाँ पे जान लेते हैं मालदीव के बारे में, समझ रहे हो। मालदीव देखिए इसकी कैपिटल क्या बच्चा, माले इसकी कैपिटल हो गई, और रुफिया यहाँ की क्या हो गई बच्चा, करेंसी क्या है, यहाँ की करेंसी क्या है बच्चा आपकी, रुफिया हो गई, और इब्राहिम मो समझ इब्राहिम
मोहम्मद बच्चा आपका सोली है, यहाँ के क्या है, प्रेसिडेंट है। यहाँ पे रिवीजन का मतलब क्या है, उससे जुड़ा हुआ स्टैटिक जीके वाला पोर्शन भी आपको समझाया जाए, समझ रहे ना बच्चा। तो इस वजह से ठीक है, यहाँ पे क्या दिया गया बच्चा आपका, ये रहा बच्चा आपका मालदीव, यानी कहाँ पे, ये आपका अरेबिक सी वाले पोर्शन में, और ये इसकी कैपिटल माले, समझ रहे हो। यहाँ पे आप लोगों को क्या दिख रहा है बच्चा, लक्षद्वीप सी दिख रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पे बच्चा क्या पूछा जाता है आपका, लक्षद्वीप और मालदीप के बीच में कौन सी डिग्री लाइन, जैसे कि बच्चा आपका क्या पूछा जाता है, 8 डिग्री लाइन किसको अलग करती है, 10 डिग्री लाइन किसे अलग करती है। एक होमवर्क बन गया बच्चा आपके पास, एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपका, 8 डिग्री लाइन, 9 डिग्री लाइन और 10 डिग्री लाइन ये किन्हें अलग करती है, समझ लो। 8 डिग्री, 9 डिग्री और 10 डिग्री जो आपकी लाइन है बच्चा, ये रेखाएं किसको अलग करती है, समझ लो। ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपका, तो इस क्वेश्चन के बारे में आप सभी लोग स्ट्रीमिंग के बाद कमेंट्स में आंसर देंगे, ठीक है। तो बच्चा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और कल के आंसर बच्चे, बहुत सारे बच्चों ने आंसर दिए थे, ठीक है ना। नेक्स्ट बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। पर्सन ऑफ द ईयर 2019 किसे चुना गया था, तो ग्रेटा थुनबर्ग को चुना गया था, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान देना बच्चा, ग्रेटा थुनबर्ग से जुड़ी हुई चीज है, इन्हें पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया किसके द्वारा, टाइम्स मैगजीन के द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर भी चुना गया। इन्होंने एक बच्चा पर्यावरण के लिए क्या चलाया था बच्चा आपका, स्कूल स्ट्राइक करके बच्चा क्या चलाया था, कैंपेन चलाया था, ठीक है। और इंटरनेशनल बच्चा चिल्ड्रंस, और उसके साथ साथ इन्हें क्या अवार्ड दिया गया बच्चा आपका, तो अंतरराष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार, समझ रहे हो, इंटरनेशनल चिल्ड्रंस पीस प्राइज 2019 से भी सम्मानित किया गया। यहाँ पे क्वेश्चन रखने का मतलब उससे जुड़े हुए क्या क्या क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, उन सभी बच्चा यहाँ पे विजुअली यानी कि इमेज के तौर पर, क्योंकि बच्चा इमेज सब जो हम लोग इमेज को देखते हैं ना, तो वो चीज़ें हमारे परमानेंट मेमोरी में ज़्यादा देर तक टिकती है, यानी कि स्थायी तौर पर रुक जाती है, ठीक है। तो नेक्स्ट चलेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन पर बच्चा आपका, किस राज्य की कैबिनेट ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध के लिए बच्चा एक अधिनियम लाया था, तो वही है दिशा अधिनियम बच्चा आपका, आंध्र प्रदेश का, ठीक है। अब दिशा अधिनियम की अगर हम लोग बात करते हैं, तो इसमें क्या कहा गया बच्चा आपका, डेथ पेनल्टी की बात की गई, कितने दिनों के अंदर बच्चे यहाँ पे प्रॉप्ट ट्रायल बच्चा विल बी द कंप्लीटेड, ट्रायल की बात की गई 7 से लेकर 14 वर्किंग डे के अंदर, और याद रखना जजमेंट टाइम ड्यूरेशन बच्चा आपका 21 डेज फ्रॉम द एक्सटेंड 4 मंथ, यानी कि 21 कम से कम 21 दिन और अधिकतम 4 मंथ के अंदर, यहाँ पे इस एक्ट के अंदर, दिशा एक्ट के अंदर क्या क्या चीजें दी गई, ठीक है। दिशा एक्ट का ही मतलब क्या आपका, डेथ पेनल्टी फॉर द, जब समझ रहे यहाँ पे रेप एंड गैंग रेप की बात की गई, समझ रहे हो। और यहाँ पे ट्रायल की बात करेंगे हम लोग, तो ट्रायल जो कंप्लीट होगा विद इन वीक के अंदर, 2 वीक के अंदर हो जाएगा, 7 से लेकर 14 दिन तक क्या हो जाएगा यहाँ पे वर्किंग डे, ये भी ध्यान देना वर्किंग डे की बात की, यानी कि जो कार्यकारी दिवस होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ेंगे हम लोग बच्चा, केंद्र सरकार ने 100% हिस्सेदारी बेचने की बात की गई, तो किसकी बात की गई बच्चा आपका, एयर इंडिया की बात की गई थी, ठीक है। तो याद रखें बच्चा आपका, एयर इंडिया से जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो एग्जाम में पूछी जा सकती है, वर्तमान समय पर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है, यानी कि प्रदीप सिंह खानोर, ठीक है ना, खरोला करके बच्चा क्या है, वर्तमान समय पर एयर इंडिया के सीईओ है, ये पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन एयर इंडिया लिमिटेड के बच्चा, ठीक है, तो ये भी ध्यान देना आप लोग। नेक्स्ट चलते हैं बच्चा हम लोग, दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेट का पहला कार्यवाहक निदेशक किसे चुना गया, तो बच्चा किसे चुना गया, तो ये चुना गया बच्चा आपका किसे, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा आपका डी, यानी कि किसे चुना गया, ग्रैम स्मिथ को चुना गया, समझ लो। ग्रैम स्मिथ को बच्चा दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेट का बच्चा क्या चुना गया, एक्टिंग डायरेक्टर के रूप में चुना गया, ठीक है। अब याद रखें बच्चा सभी लोग, 2023 में क्रिकेट वर्ल्ड कप बच्चा जो आपका मेल का होगा, ठीक है ना, क्रिकेट वर्ल्ड कप कहां पे होगा, इंडिया में होगा, समझ लो। 2023 में क्रिकेट वर्ल्ड कप भी इंडिया में होना है, और हॉकी वर्ल्ड कप भी भारत में होगा, 2018 में भी भारत में हुआ था, और 2023 में भी कहाँ पे होगा, भारत के अंदर ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे हम लोग अगले क्वेश्चनों की ओर बच्चा, तो अब ये ध्यान दीजिए, साउथ अफ्रीका की कैपिटल क्या है बच्चा यहाँ पे, तो साउथ अफ्रीका की कैपिटल केपटाउन हो गई और प्रिटोरिया हो गई, ठीक है। यहाँ पे याद रखना बच्चा, वर्तमान समय पर प्रेसिडेंट कौन है, तो वर्तमान समय पर प्रेसिडेंट आपके सिरिल रामाफोसा, ठीक है। यदि इनका नाम आप लोगों ने प्रेसिडेंट का नाम कहां पे सुना था बच्चा, 2018 में, समझ लो, 2018 से लेकर 2019 और 19 से लेकर 2020,
रिपब्लिक डे होता है बच्चा, ठीक है, भारतीय रिपब्लिक डे 26 जनवरी को बच्चा प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई ना कोई बच्चा, जब दिल्ली में आर्मी की प्रदर्शनी लगती है, पूरे राज्यों की झलक यहाँ पे, सांस्कृतिक झलक दिखाई दिखी दिखती है, ठीक है, अलग अलग राज्यों के जो कल्चर है उनके बारे में हम लोग जानते हैं वहाँ पे, ठीक है, दिल्ली परेड के अंदर, समझ रहे हो, जो RDP होती है बच्चा, तो रिपब्लिक डे परेड जो होती है, ठीक है। तो RDP परेड के लिए बच्चा यहाँ पे जो गेस्ट के तौर पर 2018 में कौन थे, आसियान कंट्रियों के प्रमुख थे, आसियान के अंदर 10 देश हैं, उन 10 देशों के जो अध्यक्ष थे बच्चा उन्हें बुलाया गया था 2018 में। 19 में बच्चा कौन था, साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट सिरिल रामाफोसा, नाम आया है इसलिए बताया आप लोगों को, ठीक है। तो ये भी आप लोग अगर एग्जामिनर पूछे, इसलिए बच्चा मैं बार बार चीजों को रिपीट करता हूं जिससे कि आपको चीजें याद हो जाए। उसके बाद बच्चा 2020 में कौन आया था, ब्राजीलियन प्रेसिडेंट बच्चा सिरिल रामाफोसा, ठीक है ना, सॉरी बच्चा आपका जायरो बोल्सोनारो, ठीक है। तो 2020 में कौन थे बच्चा, जायरो बोल्सोनारो। आशा करता हूं कि मेरे बताने से पहले आप लोगों ने कमेंट्स में आंसर भी दे चुके होंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलते बच्चा हम लोग अगले क्वेश्चनों की ओर। किस भारतीय प्लेयर को बच्चा ला लीगा का पहला ब्रांड एम्बेसडर चुना गया था, लेकिन वर्तमान समय पर विश्व स्तर पर कोई भी इवेंट आपका क्या हो गया, लगभग पोस्टपोन हो गया, या उसे क्या कर दिया बच्चा, इस एडिशन को समाप्त ही कर दिया गया, ठीक है। तो वैसे किसे चुना गया बच्चा आपका, तो रोहित शर्मा को चुना गया, ठीक है। अब रोहित शर्मा से संबंधित बच्चा आपके क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन बच्चा आपसे एग्जामिनर पूछता है, हिटमैन के नाम से किसे जाना जाता है बच्चा, UPSL में पूछा गया था, रोहित शर्मा। दूसरा, किसी भी वर्ल्ड कप के अंदर यानी कि 1975 से आज तक जितने भी क्रिकेट वर्ल्ड कप हुए उन वर्ल्ड कपों के अंदर 5 सेंचुरी एक बार में किसी ने नहीं लगाई, एक वर्ल्ड कप के अंदर किसी भी क्रिकेटर ने बच्चा 5 सेंचुरियां नहीं लगाई, तो मात्र एक बल्लेबाज है। इससे पहले 4 सेंचुरी कुमार संगाकारा, श्रीलंकन जो प्लेयर है बच्चा, उन्होंने लगाई थी, लेकिन भारतीय जो बच्चा रोहित शर्मा, ठीक है, तो रोहित शर्मा ने 5 सेंचुरी लगाई 2019 के वर्ल्ड कप के अंदर, ठीक है। उसके बाद बच्चा इन्हें ICC के द्वारा 2019 के लिए ODI वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर भी चुना, ठीक है ना, ODI प्लेयर के रूप में भी चुना, ठीक है ना। तो वनडे क्रिकेटर ऑफ जो 2019 चुने गए वो कौन चुने गए, तो बच्चा आपके रोहित शर्मा ही चुने गए। तो ये चीजें बच्चा आप लोगों को याद रखनी है। नेक्स्ट बढ़ते हैं बच्चा हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या बच्चा यहाँ पे, तो ये रहा बच्चा रोहित शर्मा की हम लोग बात करते हैं। ला लीगा की अगर बात करें तो ये क्या है बच्चा, अपने आप में एक फुटबॉल लीग है, ला लीगा अपने आप में एक फुटबॉल लीग है, समझ रहो। तो याद रखना बच्चा आपका यहाँ पे, ठीक है। तो ये अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चा हम लोग अगले क्वेश्चन पर। जग मिशन के लिए किस राज्य को पर्यावास वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो जग मिशन के लिए बच्चा वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड जो दिया गया आपका, तो किसे दिया गया, ओडिशा राज्य सरकार को, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चा अगर वर्ल्ड हैबिटेट की बात करी तो उनके बारे में हम लोग जान लेते हैं बच्चा कि वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2019, विजुअली आप लोगों को चीजें समझाई यहाँ पे, ठीक है ना, सारी चीजें बच्चा आप लोगों को क्लियर की जा रही है, ठीक है। आप सभी लोग बच्चा जितने भी लाइव हैं सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर भी करते रहिए। यहां पे बच्चे ने पूछा कि एशियाई खेलों का आयोजन 2022 में कहां पे होगा, एशियाई खेलों का आयोजन 2022 में कहां पे होगा बच्चा, तो एशियाई खेलों का आयोजन 2022 में वैसे तो आपका अभी तक क्या निर्धारित किया गया, चीन के अंदर होना है, ठीक है, चाइना में होना है 2022 में, ठीक है ना। यहाँ पे बच्चा आपका क्वेश्चन जो दिया गया था, तो ओडिशा की कैपिटल भुवनेश्वर हो गई, ओडिशा के गवर्नर कौन है बच्चा, गणेशी लाल, और चीफ मिनिस्टर कौन है बच्चा यहाँ पे वर्तमान समय पर, नवीन पटनायक यहाँ के चीफ मिनिस्टर है, ठीक है। और याद रखना बच्चा वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड आपसे ये ना पूछे कि वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड दिया गया, आपसे सिंपल सा पूछ ले कि जग्गा मिशन किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया था, ठीक है। तो ये किसने करा आपका, ओडिशा राज्य सरकार के द्वारा। बच्चा क्वेश्चन किसी भी तरह पूछ सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है आपको याद कितना है, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं बच्चा हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे क्या दिया गया बच्चा, निम्नलिखित में से कौन सा पापुआ न्यू गिनी से अलग हुआ और एक नया देश बनने के लिए मतदान किया गया, तो कौन हो गया बच्चा आपका, बोगनविले, ठीक है ना। अब बोगनविले के बारे में बताया मैंने आप लोगों को कि बोगनविले को अगर आप लोग याद करेंगे तो ये आपको सबसे पहले पूरा का पूरा कॉन्टिनेंट दिख रहा होगा, ठीक है। पूरा कॉन्टिनेंट मतलब आपका ये कौन सा कॉन्टिनेंट बच्चा आपका, ओशिनिया कॉन्टिनेंट, समझ रहे हो, कौन सा बच्चा आपका, ओशिनिया कॉन्टिनेंट, ठीक है, ओशिनिया महाद्वीप।
अब ओशनिया महाद्वीप बचा, जिसे सबसे बड़ी कंट्री यहाँ पे क्या दिखती है, ऑस्ट्रेलिया। यानी कि इस पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट में आपको एकमात्र देश दिख रहा है बच्चा, कौन सा, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, जो बच्चा क्या आपके डायग्राम यहाँ पे मैप में दिख रहा है, ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया इसी कारण कहते हैं आप लोग इसे। वैसे इस कॉन्टिनेंट नाम का है ओशनिया। ये बच्चा एरिया के अकॉर्डिंग सबसे छोटा है। हमने पूरी की पूरी पृथ्वी को कितने भागों में बांट दिया बच्चा, 7 भागों में, और उसे क्या कह दिया, महाद्वीप। समझ रहे हो, उन महाद्वीपों में सबसे बड़ा एशिया, सबसे छोटा आपका कौन सा हो गया बच्चा, ओशनिया या ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में टोटल आपकी 22 कंट्रियां हैं, ये भी याद रखना, पूछा जाता है इसलिए बता रहा हूं। यहां पे टोटल 22 कंट्रियां हैं, सबसे बड़ी आपकी ऑस्ट्रेलिया और सबसे छोटी नोरू कंट्री। ठीक है, यहां पे देख सकते हो बच्चा, अभी रिसेंटली भारत न्यूजीलैंड जाके बच्चा क्रिकेट खेला, भारत ने न्यूजीलैंड में हार के आया। 2019 में वर्ल्ड कप होता है, न्यूजीलैंड बच्चा आपका फाइनल में हार गया था, काही हाई वोल्टेज मैच रहा बच्चा वो भी। तो आपसे न्यूजीलैंड के बारे में पूछा जा सकता है, उसकी लोकेशन कहाँ पे या कौन से महाद्वीप में आता है, तो न्यूजीलैंड आपका ओशनिया महाद्वीप में आता है। ठीक है, न्यूजीलैंड बच्चा दो अलग अलग आइलैंड से बना हुआ है, यानी कि न्यूजीलैंड बच्चा दो अलग अलग छोटे आइलैंडों में बटा हुआ है, और न्यूजीलैंड को दो हिस्सों में बांटता है, इसका नाम क्या बच्चा आपका, कुक स्ट्रेट। समझ रहे हो, कुक जल संधि न्यूजीलैंड को दो भागों में बांटता है, एक नॉर्थ आइलैंड एक साउथ आइलैंड। समझ रहे हो, ये भी ध्यान देना बच्चा आप लोग। और यहां पे इसकी कैपिटल क्या बच्चा आपका, तो वेलिंगटन। समझ, न्यूजीलैंड की कैपिटल क्या बच्चा, तो वेलिंगटन इसकी कैपिटल होगी। तो ये सारी चीजें, बाकी मैंने बताया पापुआ न्यू गिनी से अलग होगा, तो वो कौन है बच्चा आपका, बोगनविले। तो ये रहा बच्चा आपका पापुआ न्यू गिनी, और ये पोर्शन रहा बच्चा आपका कौन सा, बोगनविले। ठीक है, तो ये देख सकते हो बच्चा आप लोग, बोगनविले की लोकेशन कहां पे है, सोलोमन सी के अंदर है। ठीक है ना बच्चा, तो बोगनविले बच्चा इंडिपेंडेंस एंड ग्लो टू पापुआ न्यू गिनी। नेक्स्ट बढ़ेंगे बच्चा हम लोग, वर्ष 2019 के लिए कौन सा कीवर्ड सबसे अधिक खोजा गया था, सबसे अधिक खोजा जाने वाला कीवर्ड कौन सा था बच्चा, तो यहाँ पे याद रखना आप लोग, 2019 में सबसे ज्यादा कौन सा बच्चा, तो याद रखे क्रिकेट विश्व कप 2019। अच्छे क्वेश्चन है, आज सारे के सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन है बच्चा आपका। 2019 में सबसे ज्यादा खोजा जाने वाला कीवर्ड कौन सा था, क्रिकेट विश्व कप। यानी कि गूगल के अंदर बच्चा हम लोग जैसे कोई कीवर्ड डालते हैं ना, तो वहां पे क्या होती है, पूरी लिस्ट आ जाती है। यानी कि 2019 में गूगल के द्वारा क्या कहा गया कि सबसे ज्यादा क्रिकेट विश्व कप को खोजा गया था। ठीक है, नेक्स्ट चलते बच्चा, यहाँ पे गूगल ने बच्चे यहाँ पे क्या कहा गया आपका, मोस्ट जो सर्च था बच्चा वो क्या था, आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 बच्चा। ठीक है, उसके बाद लोकसभा इलेक्शन, उसके बाद बच्चा आपका चंद्रयान 2, समझ लो, उसके बाद बच्चा अब तो क्या आने वाला है, कोरोना वायरस। अब सबसे ज्यादा सर्च क्या हुआ है, कोरोना वायरस सर्च हुआ। ठीक है, उसके बाद बच्चा आपका एक मूवी है कबीर सिंह करके कोई मूवी है, उसको भी सर्च किया गया। ठीक है ना, तो ये भी ध्यान देना बच्चा आप लोग, पहले नंबर पर क्रिकेट वर्ल्ड कप भारत के अंदर, भारत के अंदर सर्च होने वाला सबसे ज्यादा कीवर्ड, ये इंडिया की बात कर रहा हूं बच्चा मैं। ठीक है, इंडिया में सर्च होने वाले मोस्ट बच्चे जो आपके कीवर्ड थे 2019 में, नंबर 1 पर क्रिकेट वर्ल्ड कप, दूसरे नंबर पर लोकसभा इलेक्शन, तीसरे नंबर पर चंद्रयान 2, और चौथे नंबर पर कोई मूवी है बच्चा कबीर सिंह करके, वो मूवी बच्चा सर्च की गई थी। ठीक है, अगर हम लोग पर्सन की बात करेंगे तो पर्सन में बच्चा आपका व्यक्ति में कौन आएगा, अभिनंदन वर्धमान। समझ रहे हो, अभिनंदन वर्धमान बच्चा यहाँ पे दिया भी गया होगा आपका। समझ रहे हो कि विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान बच्चा टॉप टू ट्रेंडिंग पर्सनालिटी इन द 2019। ठीक है, उसके बाद बच्चा दूसरे नंबर पर लता मंगेशकर जी, उसके बाद क्रिकेटर युवराज सिंह तीसरे नंबर पर। ठीक है, तो याद रखना बच्चा आप लोग, और उसके बाद बच्चा एजुकेटर एंड बच्चा आपका मैथमेटिशियन आनंद कुमार। समझ रहे बच्चा आपका, ये कीवर्ड भी काफी सर्च हुआ है। पहले नंबर, अगर आपको पर्सन की बात करेंगे बच्चा चार नाम याद रख लीजिए, अगर व्यक्ति की बात करेंगे तो पहले नंबर पर कौन है बच्चा आपके, विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान, उसके बाद लता मंगेशकर जी, उसके बाद बच्चा युवराज सिंह, और चौथे नंबर पर बच्चा आपका समझो यहाँ पे एजुकेटर या मैथमेटिशियन आनंद कुमार। आनंद कुमार जी पे पर एक मूवी बनी थी बच्चा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं बच्चा हम लोग अगले क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन क्या बच्चा आपका, हर एक क्वेश्चन बच्चा काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इंडियन एयरफोर्स के जो जवान है बच्चा समझ लो, तो सबसे पहले तो याद रखना मैंने आपको क्या बताया था कि 14 फरवरी को क्या होता है, पुलवामा अटैक होता है। 26 फरवरी को ध्यान देना,
14 फरवरी के आसपास बच्चा 2019 में पुलवामा में अटैक होता है और 14 फरवरी को भारतीय सेना के द्वारा एयर स्ट्राइक किया जाता है, ठीक है। बालाकोट पख्तूनवाला जो एरिया बच्चा सिंध प्रांत है, यहाँ पे भारतीय एयरफोर्स के द्वारा एयर स्ट्राइक की जाती है और आर्मी के द्वारा बच्चा इस ऑपरेशन को क्या नाम दिया गया था, ऑपरेशन बंदर नाम दिया गया था, समझ लो, इसे एक कोड नेम दिया गया, तो कोड नेम क्या था, ऑपरेशन बंदर, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते बच्चे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट स्थापित करने के लिए बच्चा एक क्या किया, किस संगठन को यहाँ पे चुना गया, ठीक है। तो किसे चुना गया बच्चा, आपका याद रखना, ये चुना गया नेशनल हाईवे अथॉरिटी, ठीक है। अब यहाँ पे तीन नाम आए आपके पास, तीन अलग अलग नाम आए हैं, उन तीनों नामों के बारे में आप लोगों को बता देता हूं। सबसे पहले नीति आयोग, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसकी फुल फॉर्म क्या बच्चा आपका, नीति की, नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अब मैं न जाने कितनी बार बता चुका हूं आप लोगों को, आप मुझे बताएंगे यहां से तीन क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या बच्चा आपका, दूसरा क्या आएगा, तीसरा क्या आएगा। पहला क्वेश्चन, नीति आयोग के वर्तमान सीईओ कौन है, वाइस प्रेसिडेंट कौन है, यानी कि नीति आयोग के वर्तमान समय पर उपाध्यक्ष कौन है। और तीसरा क्वेश्चन बच्चा, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी। जल्दी से कमेंट्स में तीन, इन तीन क्वेश्चनों के आंसर भेजेंगे, मैं अभी आपके कमेंट्स देखना चाहूंगा। पहला क्वेश्चन, नीति आयोग के सीईओ कौन है, दूसरा उपाध्यक्ष कौन है, तीसरा बच्चा नीति आयोग की स्थापना कब हुई, इन तीनों के आंसर कमेंट्स में भेजें। सभी लोग कमेंट्स में भेजें इस क्वेश्चन का आंसर जो अभी पूछा मैंने आप लोगों को। सभी लोग जितने भी क्वेश्चन पूछे बच्चा आंसर देते रहिए। मैंने क्या पूछा, नीति आयोग के सीईओ कौन है, हाँ प्लानिंग कमीशन के नाम से नीति आयोग के, ठीक है ना, नीति आयोग के वर्तमान समय पर सीईओ कौन है, ठीक है, वर्तमान समय पर इसके उपाध्यक्ष कौन है, ठीक है, अमिताभ कांत सीईओ हो गए, और तो यहाँ पे कृष्णा करके बच्चे ने आंसर दिया है, और कोई बच्चा, और कोई, चलो मैं बता देता हूँ आप लोगों को, ठीक है, बार बार बताता हूँ आप लोगों को याद नहीं रहता है। यहाँ पे सीईओ कौन है, नीति आयोग के वर्तमान सीईओ कौन है बच्चा आपके, तो अमिताभ कांत इसके सीईओ हो गए। वाइस प्रेसिडेंट की बात करेंगे हम लोग बच्चा, तो वाइस प्रेसिडेंट कौन है बच्चा आपके, समझ लो, यानी कि बच्चा यहाँ पे उपाध्यक्ष कौन है, राजीव कुमार, और स्थापना हुई थी 2015 में, उससे पहले योजना आयोग के नाम से, यानी कि प्लानिंग कमीशन के नाम से जाना जाता था, ठीक है। अब आपको बच्चा यहाँ पे इसके अध्यक्ष की बात करूं मैं बच्चा, अध्यक्ष कौन होते हैं, अध्यक्ष भारतीय प्रधानमंत्री होते हैं, समझ लो, भारतीय प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे, यहाँ पे हम लोग जान लेते हैं नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो क्वेश्चन का आंसर था, एस्टैब्लिश होती है आपकी 1988 में, 1988 में बच्चा नेशनल हाईवे अथॉरिटी की स्थापना होती है, ठीक है ना। और यहाँ पे याद रखना बच्चा, ये क्या आपका, समझ लो, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, न्यू दिल्ली के अंदर, और वर्तमान समय पर एजेंसी एग्जीक्यूटिव कौन है बच्चा आपके, संजीव रंजन, ठीक है, एजेंसी एग्जीक्यूटिव कौन है बच्चा, तो संजीव रंजन वर्तमान समय पर एजेंसी एग्जीक्यूटिव है, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन पर बच्चा, संविधान का 126वां संशोधन विधेयक बच्चा विधानसभा में एससी एसटी के लिए आरक्षण कोटा कितने वर्षों तक बढ़ा दिया गया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के बारे में बताया था बच्चा मैंने आप लोगों को, जब 26 जनवरी, समझ लो, इस क्वेश्चन को अच्छे समझना, 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू होता है, तो क्या कहा गया था बच्चा आपका, लोकसभा और राज्य, सॉरी बच्चा आपका राज्य विधानसभा, स्टेट बच्चा आपका असेंबली के अंदर, ठीक है ना। तो यहाँ पे विश कर लेता हूं मैं, विधानसभा के अंदर एससी बच्चा, ठीक है, एससी एसटी की सीटों के लिए बच्चा क्या कहा गया था, अगले 70 वर्षों के लिए रिजर्व रखी गई थी, यानी क्या कहा गया था, अगले 70 वर्षों के लिए बच्चा यहाँ पे सीटों का आरक्षण, और एंग्लो इंडियन का एक व्यक्ति बच्चा राज्य विधानसभा में, जो समझ रहे हो, एंग्लो इंडियन को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा, तो ये भी बच्चा आपका पूछा गया था, ठीक है ना। तो ये मैंने आप लोगों को बताया था, तो यहाँ पे क्या होगा बच्चा आपका, यानी कि सी अगले 10 साल के लिए, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर, अगला क्वेश्चन क्या बच्चा आपका, तो ये ध्यान देना बच्चा आप लोग, अगला क्वेश्चन, विधायकों के किस समुदाय का नामांकन बच्चा इस संविधान संशोधन में छोड़ दिया था, ठीक है, तो कौन सा था बच्चा, एंग्लो इंडियन, यानी कि चाहे कोई विधानसभा बड़ी है चाहे छोटी है, तो वहां पे एक एंग्लो इंडियन रिप्रेजेंटेटिव होना आवश्यक था, ठीक है ना। तो ये कौन से था बच्चा आपका, जब भारतीय संविधान लागू होता है उसके तहत बच्चा इसे समाप्त कर दिया गया, ठीक है ना।
यानी कि इसे छोड़ दिया बच्चा आपका। आगे चलते हैं हम लोग, 11 दिसंबर 2019 को इसरो के द्वारा बच्चा क्या किया जाता है, निम्नलिखित उपग्रह में से कौन सा उपग्रह प्रक्षेपित किया गया, विच अमंग द फॉलोइंग सैटेलाइट वॉज लॉन्च इसरो बच्चा आपका 11 दिसंबर 2019 को, तो वो कौन सा था बच्चा आपका, रीसेट बी आर फर्स्ट, समझ लो इसका नाम क्या था बच्चा आपका, रीसेट बी आर फर्स्ट को क्या किया गया था बच्चा आपका, यहाँ पे लॉन्च किया गया था, ठीक है। तो इसके बारे में ध्यान देना, अगर रीसेट बी आर फर्स्ट की बात करते हैं हम लोग तो उसके बारे में बता दी, समझ लो सारे के सारे चीजें जितने मैं आपको बता रहा हूँ बच्चा, इसकी स्क्रीन शॉट लीजिए, पीडीएफ ले लीजिए, समझ लो, लेकिन इसे नोट कर दीजिए, इंपॉर्टेंट कलेक्शन है, अच्छे से याद रखना बच्चा, ठीक है। मैंने क्या बताया, लॉन्चिंग डेट कौन सी थी बच्चा आपकी, 11 दिसंबर 2019 को। इसका जो रॉकेट लॉन्चर था बच्चा कौन सा था, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल QL बच्चा आपका, यानी कि C-48 से लॉन्च किया गया था। लॉन्च साइट कौन सी थी बच्चा, तो सतीश धवन बच्चा आपका, ठीक है ना, सतीश धवन बच्चा आपका लॉन्च साइट से इसे क्या किया गया था बच्चा आपका, लॉन्च किया गया था। मिशन क्या है बच्चा आपका, रडार इमेजिंग बच्चा, मिशन का नाम क्या आपका, रडार इमेजिंग, ठीक है। और अगले 5 वर्षों के लिए बच्चे से क्या किया गया, ठीक है ना, तो ये क्या थी बच्चा, रडार इमेजिंग की बात की गई, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर, किस बॉलीवुड अभिनेता को बच्चा राष्ट्रीय डोपिंग एजेंसी नाडा का क्या चुना गया बच्चा, एम्बेसडर चुना गया, ठीक है। तो यहाँ पे नाडा का नाम तो आया सुनील शेट्टी जी को, ठीक है, लेकिन इन नाडा के संबंध में आप लोगों को चीजें समझानी थी, इस वजह से बच्चे क्वेश्चन यहाँ पे रखे गए, ये क्वेश्चन इस वजह से यहाँ पे रखे गए, नेशनल डोपिंग एजेंसी, नाडा की फुल फॉर्म नेशनल डोपिंग एजेंसी, इसका हेडक्वार्टर कहां पे बच्चा आपका, न्यू दिल्ली के अंदर इसका हेडक्वार्टर है, चीफ एग्जीक्यूटिव एजेंसी, ठीक है ना। तो कौन है बच्चा अभी वर्तमान समय पर, नवीन अग्रवाल इसके वर्तमान समय पर क्या है, सीओ नवीन अग्रवाल है, ठीक है। और उसके साथ साथ बच्चा आप लोग ध्यान देना, इसकी स्थापना नाडा की स्थापना 2005 में की गई थी, और चेयरमैन कौन होता है बच्चा आपका, मिनिस्टर ऑफ द स्पोर्ट्स, समझ लो मिनिस्टर स्पोर्ट्स, यानी कि खेल मंत्री इसके क्या होते हैं, चेयरमैन होते हैं, ठीक है। और इसका काम क्या होता है बच्चा आपका, एंटी डोपिंग इन द स्पोर्ट्स, समझ लो ये भी याद रखना। तो न्यू दिल्ली में एक्टर सुनील शेट्टी बच्चा हैज बीन सिलेक्टेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ नाडा, यहाँ पे आप लोग को खेल यानी कि चेयरमैन कौन है, तो किरण रिजू होंगे, वर्तमान समय पर किरण रिजू क्या है बच्चा, खेल मंत्री, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन पर, भारत ने दक्षिण एशियाई खेलों के 13वें संस्करण में कितने पदक जीते, दिसंबर 2019 में हुआ, आपको 2020 तक पूछा जाएगा, क्योंकि ये इवेंट आपके 2 साल में होते हैं, प्रत्येक 2 साल में ये इवेंट होता है आपसे, तो यहां से क्वेश्चन पूछने वाला, ठीक है। तो भारत ने 312 तो प्राप्त करे, अब इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं बच्चा क्या क्या चीजें एग्जामिनर पूछ सकते हैं। साउथ एशियन गेम का आयोजन कितने समय के बाद होता है, तो 2 साल के बाद होता है, यानी कि इससे पहले 2017 में कहां पे हुए थे, गुवाहाटी असम के अंदर हुए थे, समझ रहे हो। प्रत्येक 2 साल में साउथ एशियन गेम का आयोजन होता है, और अभी आपका यानी कि ये दिसंबर मंथ में 1 से लेकर 10 दिसंबर के बीच में काठमांडू पोखरा और आपका जनकपुर नेपाल के अंदर हुए थे, और फर्स्ट बच्चा आपका 1984 में भी पहली बार इन खेलों का आयोजन हुआ था, पहली बार साउथ एशियन खेलों का आयोजन 1984 में होता है काठमांडू नेपाल के अंदर, ठीक है। प्रत्येक 2 साल में बच्चा इनका आयोजन होता है, ठीक है। और याद रखना बच्चा आपका, इससे पहले 2017 में कहां पे हुआ, गुवाहाटी असम के अंदर हुआ, ठीक है। तो ये भी आप लोगों को याद होना चाहिए, इसका मोटो भी याद रखना बच्चा, पीस हो गया आपका, प्रॉस्पेरिटी हो गया बच्चा यहाँ पे, और प्रोग्रेस इसका क्या है, ये क्या रखेंगे बच्चे इसके मोटो के तौर पर, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बच्चा आपका, अंतरराष्ट्रीय पर्वत दिवस आप लोग कब मनाते हो बच्चा, आप सभी लोगों को मैं हमेशा से कहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोग कमेंट्स करिए, इस क्लास को आप लोग इस वे में रखिए, तैयारी आपने खुद करिए, और हम प्रैक्टिस करने के लिए इंजीनियरिंग एकेडमी देहरादून ऑनलाइन क्लास पे है, समझ लो आप लोगों ने तैयारी अपने एंड पे करी है, एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं उस चीज के लिए, प्रैक्टिस के लिए बच्चा, ठीक है। मैं यहाँ पे खड़ा हूं तो आप लोगों को प्रैक्टिस कराने के लिए, ना कि मैं आपको कोई नई चीज बता रहा हूं बच्चा, ठीक है, उन्हीं चीजों के बाद डिलीवर कर रहा हूं, यानी कि एग्जामिनर क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और आपके सवालों के लिए बच्चे मैं अब एक नया टर्म शुरू करने वाला हूं, जैसे कि मैंने बताया था आपको परीक्षा पे चर्चा की बात करी थी, तो अब हम लोग परीक्षा पे चर्चा जरूर करेंगे, आप लोगों के बीच में 10-10 मिनट सभी फैकल्टी मेंबर लाइव रहे, और आप पे परीक्षा पे चर्चा की बात करेंगे हम लोग, ठीक है।
चाहे बच्चा आपका वो पेड कोर्स के अंदर हो, ठीक है ना, तो उसके लिए बच्चा अभी किस तरह से जो बिल्कुल कारगर साबित हो बच्चों के लिए, उन चीजों पे काम किया जा रहा है, ठीक है ना। तो अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस हर साल मनाया जाता है बच्चा आपका कब, 11 दिसंबर को, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चा 11 दिसंबर को तो मनाया जाता है, लेकिन इसकी थीम क्या रखी गई थी, तो थीम क्या थी बच्चा आपका, माउंटेन्स मैटर फॉर यूथ, यानी कि एक युवा पूरे देश को बदल सकता है, और अभी कोरोना वायरस के लिए तो बच्चा यहाँ पे बदलना ही होगा, समझ रहे हो। तो वही चीज बच्चा अभी आप लोग देख सकते हो कि हर जगह एक थीम रखी जाती है जहां पे युवा का नाम होता है, ठीक है ना। तो हम लोग बात करते हैं बच्चे यहाँ पे किसकी बात करते हैं बच्चे, हम लोग माउंटेन की बात करते हैं, इंटरनेशनल माउंटेन डे। आज भारतीय युवा कहाँ पे बच्चा, भारतीय युवा तो कहीं एक छोटे से रूम पे बच्चा लेके वहां पे तैयारी कर रहा होगा, ठीक है ना, वो तैयारी कर रहे होंगे कंपटीशन एग्जाम की, देश बदलने के लिए बच्चा, ठीक है। तो यहाँ पे फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की हम लोग बात करते हैं बच्चा, यानी कि ये प्रत्येक वर्ष किसके द्वारा, FAO के द्वारा मनाया जाता है, यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, ठीक है ना। और इंटरनेशनल माउंटेन डे की बच्चा थीम क्या रखी गई थी, माउंटेन मैटर्स फॉर यूथ 2019 के लिए, इसकी थीम क्या थी बच्चा, माउंटेन्स मैटर फॉर यूथ, इसकी थीम रखी गई थी, ठीक है। और प्रत्येक वर्ष बच्चा कहाँ पे मनाया, किसके द्वारा, अच्छा ये इवेंट किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है, तो ये किया जाता है बच्चा आपका फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, ठीक है, मुख्यालय रोम इटली के लिए। हाँ एक चीज और आप लोग को एंड में बच्चा एक आपको मैसेज देने वाला हूँ, उस मैसेज को आप लोग अच्छे से सुने बच्चा, ठीक है, कि आप लोगों के क्लास टाइमिंग में चेंजेस होने वाले हैं, समझ लो, वो जो कि आपका मंडे से प्रभावी होगा, ठीक है ना बच्चा। नेक्स्ट बढ़ेंगे हम लोग, नासा का मंगल रोवर मिशन कब लॉन्च होगा, तो ये बच्चा अभी लगभग आपका होने वाला है लॉन्च, ठीक है, तो 2020 की बात की गई थी। नेक्स्ट चलते बच्चा हम लोग, नासा का रोवर मिशन, ठीक है, नासा की फुल फॉर्म नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म। नेक्स्ट बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर, जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2019 में भारत की रैंक क्या थी, जलवायु परिवर्तन सूचकांक में भारत की रैंक बच्चा आपकी क्या थी, तो ये थी बच्चा 9वीं रैंक, ठीक है ना। तो यहाँ पे देख सकते हो बच्चा हम लोग यहाँ पे पहले तीन का नाम नहीं दिया गया, पहले तीन का नाम बिल्कुल नहीं दिया गया बच्चे यहाँ पे, तो याद रखना स्वीडन हो गया बच्चा यहाँ पे पहले नंबर पे, अभी डेनमार्क, फिर मोरक्को, फिर यूनाइटेड, समझ रहे हो, यानी कि पहले तीन नहीं दिया गया क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग, आपका चौथे नंबर पे जो है स्वीडन, फिर डेनमार्क, फिर मोरक्को, और भारत का नाम किस नंबर पे बच्चा आपका यहाँ पे 9वें नंबर पे, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे बच्चा हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर, किसे बच्चा आपका 2019 के लिए भारत का गोल्डन ट्वीट का सम्मान दिया गया था, तो गोल्डन ट्वीट बच्चा किसे दिया गया था, ये सम्मान दिया गया था बच्चा आपका किसे, नरेंद्र मोदी जी के ट्वीट को, जो विजय भारत, ठीक है। तो याद रखना बच्चा मैंने आप लोगों को बताया था कि गोल्डन ट्वीट 2019 पीएम मोदी का बच्चा, ठीक है ना, पीएम नरेंद्र मोदी का विजय भारत का जो पोस्ट था उस पर बहुत ज्यादा रीट्वीट हुए थे, जिस कारण से उसे क्या कहा गया था, गोल्डन ट्वीट का सम्मान भी दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट चलते बच्चे हम लोग, विश्व खाद्य दिवस के अवसर पर FSSAI द्वारा हाल ही में कौन सी योजना शुरू की गई थी, तो योजना थी बच्चा आपकी कौन सी, फूड सेफ्टी मित्रा, समझ रहे हो, फूड सेफ्टी मित्रा यानी खाद्य सुरक्षा मित्र योजना शुरू की गई थी, ठीक है, खाद्य सुरक्षा मित्र योजना को शुरू किया गया था बच्चा आपका कब, तो ये शुरू किया गया था, ठीक है ना। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग बच्चे यहाँ पे FCI के बारे में जान लेते हैं कि इसके बारे में क्या क्या चीजें हमें इंपॉर्टेंट जो याद रखनी है, सबसे पहले बच्चा आपका फूड, इसका फूड आपका सेफ्टी एंड द स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, स्थापना कब होती है आपकी, 2011 में स्थापना होती है, हेडक्वार्टर कहाँ पे बच्चा आपका, न्यू दिल्ली के अंदर, और इसके एजेंसी एग्जीक्यूटिव कौन है बच्चा आपका, तो रीता टोयोटा इसके क्या है, वर्तमान समय पर एजेंसी एग्जीक्यूटिव है, ठीक है। और किसके अधीन आता है बच्चा आपका, FCI कौन सी पेरेंट एजेंसी, तो यह है बच्चा आपका मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, समझ लो, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के मध्य से अधीन आता है, ठीक है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन आता है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर, अ प्राइम मिनिस्टर टू रिमेंबर, अ प्राइम मिनिस्टर टू रिमेंबर ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है, अ प्राइम मिनिस्टर टू रिमेंबर बुक किसके द्वारा लिखी गई है, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या आएगा बच्चा आपका, तो ये लिखी गई श्री, समझ लो, सुशील कुमार, ये बच्चा इससे पहले CNS भी रहे, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ रह चुके, ठीक है ना, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ रह चुके बच्चे इससे पहले, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर,
हाल ही में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया था? तो ये किया गया था बच्चा के शिवाम को, और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अवार्ड तमिलनाडु सरकार के द्वारा प्रत्येक वर्ष दिया जाता है, ठीक है ना, प्रत्येक वर्ष बच्चा ये अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। आप सभी लोगों के क्या कमेंट्स कर रहे हो बच्चा, ठीक है। बहुत बढ़िया बच्चा, हाँ जो जो क्वेश्चन आप लोगों को पूछे, आप लोगों के जो भी सवाल होते हैं बच्चा, लास्ट के 2 मिनट मैं जरूर देखूंगा। अभी हम लोग बच्चा कुछ और क्वेश्चनों को कवर कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चा हम लोग आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या आ रहा बच्चा आपका, अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बच्चा स्वतंत्रता दिवस 2015 में क्या कहा था कि रक्षा, इस तरह से क्वेश्चन बच्चा देखो, क्वेश्चन वही है बस लैंग्वेज चेंज करके आपको पूछा गया, कल भी पूछा होगा, उससे पहले भी पूछा, ठीक है। यानी कि एग्जामिनर आपको कितने तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। एग्जामिनर अभी यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर दिया गया, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अनाउंस द बच्चा आपका यहाँ पे क्या दिया, क्रिएशन इज द नए, समझ लो यहाँ पे क्या कहा गया आपका कि नई पोस्ट ऑफ चीफ होगा, ठीक है, सेक्टर ऑफ द इंडिपेंडेंस डे स्पीच 2019, इंडिपेंडेंस डे 2019 की स्पीच में उन्होंने क्या कहा था, एक नए पद की बात करी थी, रक्षा क्षेत्र में, आपका वित्त क्षेत्र में, रेलवे क्षेत्र में या इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, फाइनेंस हो गया, डिफेंस, रेलवे या इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। तो यहां पे बच्चा सीधा सीधा हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, सीडीएस की बात कर रहे हैं। ये क्वेश्चन कौन सा है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की बात की गई भारतीय सेना के अंदर, समझ रहे हो, रक्षा क्षेत्र में, समझ रहे हो बच्चा आपका, रक्षा क्षेत्र में एक नया पद होगा जिसका नाम सीडीएस, और भारत के पहले सीडीएस चुने गए बिपिन रावत, समझ रहे हो, बिपिन रावत भारत के पहले सीडीएस के तौर पर चुने गए, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या आ रहा बच्चा आपका, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस फुटबॉलर को बच्चा इस साल गोल्डन शू अवार्ड से सम्मानित किया गया, इस साल की बात नहीं करेंगे हम लोग, 2019 में गोल्डन शू अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया, ठीक है। तो यह सम्मानित किया गया था बच्चा किसे, लियोन मेसी को, ठीक है। अब लियोन मेसी का नाम बच्चा जो कि अर्जेंटीना को बिलोंग करते हैं, और उसके बाद बच्चा न जाने कितनी बार पूछ चुके हैं कि लियोन मेसी कौन से कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, अर्जेंटीना को, कौन से क्लब को रिप्रेजेंट करते हैं, तो बार्सिलोना एफसी, कई बार पूछ लेते हैं कि बार्सिलोना एफसी के कैप्टन कौन है, तो बार्सिलोना एफसी के कैप्टन कौन है बच्चा आपके, तो लियोन मेसी वहां के कैप्टन है, ठीक है। और याद रखना फीफा प्लेयर ऑफ द 2019 भी लियोन मेसी को ही चुना गया था, ठीक है ना, फीफा ने बच्चा जो प्लेयर ऑफ द ईयर 2019 भी किसे चुना, लियोन मेसी को चुना था, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चा हम लोग जान लेते हैं अर्जेंटीना के बारे में, अगर लियोन मेसी का नाम आया, अर्जेंटीना को बिलोंग करते हैं, पहला क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है आपसे अर्जेंटीना कौन से कॉन्टिनेंट में आता है, कौन से महाद्वीप के अंदर है, तो आपने आंसर दिया बच्चा कौन से कॉन्टिनेंट में, ये आपका साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में, समझ लो दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप के अंदर स्थित है, ठीक है। अब यहाँ पे दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का नाम आया तो यहां से जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता देता हूं आप लोगों को, समझ लो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा कंट्रियां कौन से महाद्वीप में, तो आपने कहा अफ्रीका में, कितनी है बच्चा आपका 54 कंट्रियां, सबसे कम कंट्रियां कहां पे, तो आपने आंसर दिया बच्चा साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट के अंदर, और यहां पे कितनी है बच्चा आपकी 15 कंट्रियां, समझ रहे हो, जैसे बच्चा एशिया के अंदर 48 हो गई आपकी, तो उसी तरह से बच्चा अफ्रीका में सबसे ज्यादा देश है 54 है, ठीक है, और साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में सबसे कम है, कितने आपके 15 कंट्री है, ठीक है। जैसे कि आपका कौन सी, आपके अर्जेंटीना हो गए, यहाँ पे चिली हो गया, आपका पेरू हो गया, बोलेविया, ब्राजील, ये सारी कंट्रियां बच्चा आपके कहाँ पे, साउथ अमेरिका महाद्वीप के अंदर स्थित है, ठीक है। और इसकी बच्चा जो कैपिटल है ब्यूनस आयर, और याद रखना बच्चा पीसो यहाँ की क्या है, करेंसी हो गई, ठीक है, तो ये भी याद रखना। उसके साथ साथ बच्चा मैंने आप लोगों को ग्रास लैंड की बात करी थी, घास के मैदानों की बात करी थी, तो यूरेशिया के अंदर बच्चा जो घास के, यानी कि बच्चा आपका क्या कहा जाता है, स्टेपीज कहा जाता है, ठीक है। यही घास के मैदान अगर आपका साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में है तो वहां पे क्या कहा जाता है, पंपास सबसे ज्यादा, ठीक है। वैसे आपका अलग अलग कंट्री में वहां पे लानोस हो गया, ठीक है, ये भी होता है आपका, लेकिन पंपास घास के मैदान साउथ अमेरिका के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। इन्हीं घास के मैदानों को ऑस्ट्रेलिया कंट्री के अंदर डाउन्स कहा जाता है, अफ्रीका महाद्वीप में इन्हें सवाना और बैड के नाम से जानते हैं आप लोग, याद रखना बच्चा, ठीक है। तो ये पूछा जाता है आपका, और साउथ अमेरिका में बच्चा किस नाम से, तो आप लोग बेल्ड और किस नाम से, सवाना के नाम से जानते हैं, कहां पे, अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर। नेक्स्ट चलते हैं बच्चा हम लोग, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा SBM बैंक पर कितने करोड़ का जुर्माना लगाया गया था, तो यह लगाया गया था बच्चा आपका कितना, 3 करोड़ का जुर्माना लगाया गया था, ठीक है ना।
तो याद रखना बच्चा, SBM भारत में कब से काम कर रहा है, 1994 से काम कर रहा है, ठीक है। इसे भारत में सभी क्षेत्रों में बच्चा क्या किया गया था बच्चा, बिजनेस करने का अधिकार दिया गया था, लाइसेंस दिया गया था, ठीक है। अब इस पे बच्चा जो RBI के गाइडलाइन पे काम न करने के कारण SBM पे बच्चा क्या लगाया गया बच्चा, आपका 3 करोड़ रुपए का क्या लगाया गया, फाइन लगाया गया, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। मध्य प्रदेश और गुजरात के बीच में नदी पर बने सरदार सरोवर पानी छोड़ने पर के लेकर एक विवाद आया, ठीक है, सामने आया, ठीक है। इन दोनों राज्यों के बीच में, मध्य प्रदेश और गुजरात के बीच में बच्चा ये जल विवाद आया, ठीक है। और ये नदी जो आपका जल विवाद बच्चा बहुत सारे राज्यों में आप लोगों ने सुना भी होगा, साउथ में है, ठीक है। तो याद रखना बच्चा आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा आपका नर्मदा। नर्मदा की बात करते हैं हम लोग, यहाँ पे नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध बना है। तो अगर आपसे पूछा जाता है एग्जाम के अंदर कि सरदार सरोवर बांध किन 4 राज्यों के सहयोग से बना या कितने राज्यों को इसका फायदा होगा, समझ रहे हो, सरदार सरोवर डैम से बच्चा कितने राज्यों को फायदा होगा, तो वहां पे मैंने सिंपल से बताया था आप लोग, याद रखिए GMMR, समझ बच्चा, GMR याद रखिए, यानी कि कौन से राज्यों को बच्चा आपका, गुजरात आपका, उसके बाद बच्चा कौन से आप, मध्य प्रदेश हो गया और महाराष्ट्र हो गया और राजस्थान हो गया, ठीक है। इन 4 राज्यों को इरिगेशन के यानी कि सिंचाई के क्षेत्र में और इलेक्ट्रिसिटी के क्षेत्र में जो फायदा होगा इन 4 राज्यों को ही होने वाला है, ठीक है। सरदार सरोवर बांध की बात करते हैं हम लोग बच्चा, 1961 में इसकी क्या रखी गई थी, नींव रखी गई थी, और 2017 में क्या किया गया बच्चा, इसको कमीशन किया गया, यानी कि इसका प्रोडक्शन जो शुरू हुआ आपका 2017 से शुरू हुआ, ठीक है। यहाँ पे एक बच्चा इवेंट चला गया था, नर्मदा बचाओ मूवमेंट, जिसके बच्चा हेड कौन थे, मेधा पाटकर, जिनके द्वारा चलाया गया था। कई बार पूछा जाता है कि नर्मदा बचाओ मूवमेंट किस क्षेत्र से था, तो ये एनवायरमेंट से जुड़ा हुआ था, ठीक है। किससे जुड़ा था बच्चा आपका, तो ये पर्यावरण से जुड़ा हुआ एक आंदोलन था। यहाँ पे क्या कहा गया बच्चा, राज्य सरकार के द्वारा कहा गया था कि प्राइवेट सेक्टर में बच्चा 75% आरक्षण देने का निर्णय लिया गया था, सिर्फ और सिर्फ बच्चा राज्य के, तो आंध्र प्रदेश के अंदर बच्चा यहाँ पे क्या कहा गया, यानी कि वहां पे क्या कहा गया था बच्चा आपका, आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने डिसीजन लिया कि वहां पर जो भी जॉब होगी प्राइवेट सेक्टर में, उसमें बच्चा 75% लोकल होंगे, यानी कि बच्चा जो आंध्र प्रदेश का रेजिडेंटल, वहां से जो बिलोंग करता होगा, जिसका डोमिसाइल आंध्र प्रदेश का है, उन्हीं को बच्चा वहां पे क्या दी जाएगी, जॉब दी जाएगी, यानी समझ लो 75% प्राइवेट लोग वहां पे जो लोकल लोग होंगे उन्हें दी जाएगी, बाकी अदर स्टेट से हो सकते हैं या बच्चा अदर लोग हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते बच्चा हम लोग, इनके बारे में तो मैंने पहले बता चुका हूं आप लोगों को। तो ये थे बच्चे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब यदि आप लोगों का कोई सवाल हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने बच्चा बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें कवर करी, ठीक है ना। तो आप सभी लोगों को बच्चा मैं कहना चाह रहा था कि अब आपकी क्लास का टाइमिंग चेंज होने वाला है, समझ लो, आज 1-2 दिन में आप लोगों को अनाउंस कर दिया जाएगा कि मंडे से आपकी क्लासें कौन सी किस समय पर रहेगी, ठीक है। तो आप लोगों को बच्चा मैं बता देता हूं, करंट अफेयर की क्लास बच्चा समझ लो, करंट अफेयर की क्लास आपकी डेली अब कब होने वाली है, 6 AM से लेकर बच्चा 6:30 तक काफी है, समझ लो, करंट अफेयर बच्चा आपका डेली आधा घंटे काफी है, ठीक है, समझ लो। यहाँ पे बहुत ज्यादा चीजें बच्चे मैं आप लोगों को बता देता हूँ, अगर इसमें जैसे ही आपका कोई एग्जाम आता है उस समय पर सारी चीजें मैं आप लोगों को अलग से बता दूंगा। करंट में मुश्किल से आपके 20-30 जो क्वेश्चन होते हैं वो मैं आपको आधा घंटे में कंप्लीट करा दूंगा, यानी कि 1 आवर की क्लास करंट की, क्योंकि 1 आवर के अंदर मैं आपको स्टैटिक GK बताता हूँ, इसलिए समय लग जाता है, ठीक है। उसके बाद बच्चा जो मैं नेक्स्ट हाफ आवर की बात करूंगा, उस हाफ आवर में हम लोग क्या करेंगे, कुछ एक टॉपिक को कंप्लीट करते रहेंगे, ठीक है, यानी कि GS वाला पोर्शन भी, क्योंकि बच्चा ज्यादा समय नहीं है स्टूडियो, बच्चा सभी क्लासें आपकी ऑनलाइन चल रही है, टेक्निकल भी नॉन टेक्निकल भी, ठीक है। आपको दिन भर में अगर 2 क्लास मिल रही है तो मुझे आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें डिलीवर करनी है, क्योंकि बच्चा मैं अपने आप में समझता हूं कि एक एग्जाम, समझो एज ए स्टूडेंट मैं समझ रहा हूं अपने आपको यहां पे, ना कि एक टीचर के तौर पर, स्टूडेंट के तौर पर, आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा चीजें डिलीवर करने की पूरी कोशिश करता हूं कि एग्जाम में जाने से पहले कोई भी ऐसी चीज ना हो जो आपने नहीं पढ़ी हो, ठीक है। हम लोग पढ़ेंगे, उससे आना ना आना वो अलग बात है, ठीक है, लेकिन हम अपना 100% देंगे इसके लिए, ठीक है। और उसमें आपका सहयोग चाहिए, आप लोगों को रेगुलर क्लास में आना है, अपना फीडबैक जरूर देना है, कहीं पे कोई गलती होती है ओरली कमेंट्स में जाके बताना है, एक सबसे अच्छे स्टूडेंट की तरह। अगर आप लोगों को बार बार बच्चा तारीफ बिल्कुल नहीं करनी है, समझ लो, मैं ये नहीं कहता कि आप हमारी तारीफ कीजिए, हाँ जहां गलती है आप बताइए,
एक अच्छे स्टूडेंट की तरह बच्चा आप लोगों को ये बताना जरूरी हो जाता है कि आप उस चीज को जब गलत चीजें कहीं पे होती है तो उसके बारे में बताएं, चाहे कोई भी क्लास हो, चाहे मेरी क्लास हो, चाहे टेक्निकल हो, चाहे आपकी अदर कोई भी क्लास हो, उन क्लासों में आप लोग बोलिए। आप लोग अगर समय दे रहे हैं तो उस समय को बच्चा अच्छे से यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आधा घंटा काफी होगा आपका करंट अफेयर का, और आधे घंटे बच्चे हम लोग क्या करेंगे, 1 घंटे की क्लास पूरी चलेगी लेकिन उसी को हम लोग समझ लो 2 हिस्सों में बांट देंगे, आधे में आपका करंट और आधे घंटे में बच्चा आपका क्या होगा, ठीक है, जीएस वाला कोई एक टॉपिक। जैसे अगर कभी पॉलिटी का हिस्सा ले लिया, पूरे वीक के अंदर हम लोग डिसाइड कर लेंगे कि मंडे को आपका पॉलिटी, तो आपका ट्यूजडे को बच्चा क्या होगा, ज्योग्राफी वाला पोर्शन, ठीक है। तो वहां पर क्या होगा, हम लोग साथ ही साथ सब्जेक्ट भी हमारे प्रैक्टिस होते रहेंगे। और रात को बच्चा जो एग्जाम 2020 है उसकी भी बात कर लेता हूं बच्चा, एग्जाम 2020 में हम लोग क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, ठीक है, और कम से कम 100 क्वेश्चंस सिर्फ प्रैक्टिस के लिए, समझ रहे हो। टॉपिक मैं आप लोगों को पहले दे दूं कि आपको इस टॉपिक पे आज मैं क्वेश्चन पूछने वाला हूं, यानी कि कंटेंट यानी कि ज्योग्राफी पूछ रहा हूं या पॉलिटी पूछ रहा हूं या आपका साइंस है या कंप्यूटर है आपका, ठीक है, तो वो सारी चीजें मैं आप लोगों को पहले ही बता दूंगा, पूरे हफ्ते का शेड्यूल, ठीक है। इस तरह का एनवायरमेंट क्रिएट करना है बच्चा कि हम जैसे एक कहाँ पे क्लासरूम के अंदर है, ठीक है, ये नहीं कि आप घर पे बैठे हुए देख रहे होते, ठीक है, तो वो ऐसा नहीं बच्चा आपका, यानी कि क्लासरूम वाला माहौल क्रिएट करेंगे। और एक चीज ध्यान देना, आपका सिलेक्शन होता है आप गायब हो जाते हो, सिलेक्शन होने के बाद कम से कम एक मैसेज तो छोड़ दीजिए बच्चा, एकेडमी के बच्चे जैसे कम्युनिटी आपका यहाँ पे मेल है, हमारे पर्सनल नंबर है, वहां पे अपना मैसेज छोड़ दिए कि सर मेरा यहाँ पे ज्वाइनिंग होने वाले, ठीक है, बहुत सारे बच्चों का। और याद रखना जिस बच्चे का नाम सबसे ज्यादा बार जैसे आ जाता है बच्चे, एक लॉजिक भी है कि बच्चे का सिलेक्शन तो होना ही होना है, समझ रहे हो, गुरुजी ने जिसका नाम ले लिया तो ये देख लीजिए एक लॉजिक है बच्चा, सिलेक्शन तो होना ही होना है, ठीक है, एक लॉजिक भी है बच्चे ये, क्योंकि उसी बच्चे का नाम आएगा जो कुछ ना कुछ काम कर रहा है, यानी कि जो आंसर दे रहे होंगे या जो बार बार बच्चा कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछ रहे होंगे उसी बच्चे का तो नाम आता है, न्यूट्रल बन के नहीं रहना बच्चा, आपको समय समय पर आपको आंसर भी देने हैं और अपने सवालों को भेजना भी है कि सर आपने इसका मतलब ये बताया तो ऐसा कैसे हो सकता है, ठीक है। अगर उसे ऑनलाइन में समझ में नहीं आएगा तो मैं पर्सनली कॉल करके भी बता सकता हूँ कि इसका मतलब ये है, ठीक है। तो बच्चा अगर आप लोगों का कुछ सवाल है तो आप लोग कमेंट्स में भेज सकते हो, ठीक है। इसके बाद भी हाँ जरूर बच्चा, सभी लोग सिलेक्शन के बाद एकेडमी जरूर आए। तो बच्चा आज का लेक्चर मैं यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ, फिर मिलेंगे बच्चा हम लोग एग्जाम 2020 में, तब तक के लिए धन्यवाद।